सरकार की बजट स्पीच और कैबिनेट के फैसलों में प्रदेश के हित और प्राथमिकताएं निहित है और उन प्राथमिकताओं को धरातल पर उतारना मेरी प्राथमिकता है। यह बात आज प्रदेश के नव नियुक्त मुख्य सचिव व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बी के अग्रवाल ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए पैसों की कोई कमी आड़े नहीं आनी चाहिए, इसके लिए केंद्रीय योजनाओं से ज्यादा लाभ लेने की कोशिश की जाएगी। साथ ही बाहरी मदद जैसे वर्ल्ड बैंक, जायका, नाबार्ड इत्यादि से भी हर संभव मदद ली जाएगी। फाइनेंस कमीशन के सामने बहुत प्रभावी तरीके से हमने अपना पक्ष रखा है और हमें उम्मीद है कि उनसे हमें जो है एक लिबरल पैकेज मिलेगा। और इसके अलावा जहां जहां केंद्रीय योजनाएं हैं उनसे हम ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की कोशिश करेंगे। फिर जो एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, जहां पर जायका से फाइनेंस हो सकते हैं, वहां कोशिश की जाएगी ताकि लोगों की भलाई के जो काम होने हैं उसमें पैसे की कोई कमी आड़े ना। साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भी पूरी निगरानी की जाएगी। हेल्थ और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है और कोशिश रहेगी कि प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाए। हिमाचल में अभी भी आपने देखा कि जो अभी प्राकृतिक आपदा है बहुत इफेक्टिव तरीके से डील किया गया, उसको बहुत अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशन था जिसमें हजारों लोगों को सड़क के माध्यम से और एयर के माध्यम एयर रूट के माध्यम से बाहर निकाला गया। लेकिन फिर भी इसमें हम चाहेंगे कि हम और ज्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करें, उसके लिए दो तरीके से प्लान हो रहा है। एक तो जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वो हमारी इस्टेब्लिश करने का लगभग निर्णय हो गया है और जल्द से जल्द वो इस्टेब्लिश की जाएगी। साथ साथ एनडीआरएफ का भी एक बटालियन जो है सेंक्शन हो गई है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको हमें जल्दी से जल्दी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा के और हमने हिमाचल में उसको लाना है, तो उससे हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट को की कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी। बी के अग्रवाल ने कहा है कि वित्त आयोग के सामने भी हिमाचल ने अपना पक्ष बहुत ही मजबूती से रखा है और उम्मीद है कि वित्त आयोग हिमाचल को अपनी प्राथमिकताओं में स्थान देगा। याचिका मांटा, आदर्श हिमाचल, ब्यूरो रिपोर्ट।